वैश्विक महामारी कोरोना का कहर अब जोधपुर संभाग में भी बढ़ता जा रहा है। पाली जिले में पहली बार कोरोना विस्फोट हुआ। जिले में एक साथ 1155 कोरोना पॉजिटिव मिले, तो वहीं लगातार बीते सप्ताह से जहां 200 और 500 के बीच में पॉजिटिव आ रहे थे, तो वहीं अधिक पॉजिटिव आने से प्रशासन की सांसें फूल गई। जिला कलेक्टर अंशदीप, जिला चिकित्सा अधिकारी RC मिर्धा, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले भर में सतर्कता बढ़ा दी गई। तो वहीं देर रात राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में भी कुछ आंशिक बदलाव किया गया, जिसके चलते अनुशासन लोक पखवाड़े के मध्य आज से सोमवार सुबह तक वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके तहत सभी प्रकार के किराना सहित दुकानें भी पूर्णतः बंद रहेंगी, मात्र आवश्यक सेवाओं को ही खुला रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकतर जो पॉजिटिव मिल रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की पकड़ ढीली नजर आ रही है। जब गांव में लगातार पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो वहीं गांव में किसी भी प्रकार की सख्ती नहीं देखी जा रही। जहां एक और जिला प्रशासन, जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय पर सख्त नजर आ रहा है, तो वहीं गांव में इसके विपरीत स्थिति नजर आ रही है। जिला कलेक्टर अंशदीप, जिला पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत के निर्देशानुसार पुलिस लगातार गश्त कर रही है। लोगों को घरों के अंदर रहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने का, अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के निर्देश जारी कर रही है। सोशल मीडिया, टीवी, समाचार पत्रों के माध्यम से गाइडलाइन आम जनता तक जानकारी में आ रही है। कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा उपाय राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य सभी विशेषज्ञ जो बताते हैं, प्रॉपर तरीके का मास्क सही तरीके से धारण करना और पब्लिक प्लेस पर जहाँ तक कोई अति आवश्यक काम नहीं हो, इमरजेंसी में, तब तक किसी व्यक्ति को नहीं जाना है। जो जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया गया है, उसकी प्रत्येक व्यक्ति बहुत मन से पालना करें अपने लिए और अपनों के लिए। तो इसके ऐसा करके प्रत्येक व्यक्ति इस बात में हमें योगदान कर सकता है, अन्यथा जिस तरीके से संक्रमण का प्रसार हो रहा है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। अभी तक जिला मुख्यालय पर और जिला प्रशासन की ओर से जितनी भी सुविधाएँ चिकित्सालय में की गई हैं वो की जा रही हैं, लेकिन फिर भी जनता से ये निवेदन है कि जब तक कोई विशेष इमरजेंसी या आवश्यक काम नहीं है, तब तक घरों से बाहर नहीं निकले। शनिवार और रविवार का भी पूर्ण रूपेण लॉकडाउन घोषित किया गया है, इसकी भी सभी लोग पालना करें। नई जो गाइडलाइन आई है वो सब लोग देखें, उसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हम सब लोग, हमारा जवान से लगाकर सारे अधिकारी जन चेतना के काम में हम लोग लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हमारी गश्त पेट्रोलिंग भी चल रही हैं और जितने भी प्रतिबंध राज्य सरकार ने आम जन के जीवन को बचाने के लिए लगाए हैं, उनकी पालना हम लोग करवा रहे हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि कोविड गाइडलाइंस की पालना ज़रूर करें। जय हिंद।